हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइज और स्पीड या आकार और गति के आधार पर कंप्यूटर कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो शुरुआत करते हैं सुपर कंप्यूटर से। यह सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। यह साइज में सबसे बड़ा होता है और इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। यह सीपीयू एक साथ कार्य करते हैं, जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। जहां हमें काफी जटिल या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान, न्यूक्लियर साइंस, रॉकेट लॉन्चिंग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं समिट, सियरा, डीप ब्लू और परम, जो इंडिया में सीडैक में बनाया गया है। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। यह डेटा को बड़ी मात्रा में प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। जहां सुपर कंप्यूटर को आमतौर पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बनाया जाता है, मेनफ्रेम एक साथ कई यूजर्स के लिए पैरेलल में इंस्ट्रक्शन चला सकते हैं। इसमें भी कई प्रोसेसर्स होते हैं, इसलिए ये काफी तेज चलता है और ये भी बहुत महंगा होता है। ये आमतौर पर बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए बड़ी कंपनीज द्वारा उपयोग में लाया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं IBM Z, यूनिवैक आदि। मेनफ्रेम से छोटा होता है मिनी कंप्यूटर, जिसे मिड रेंज सर्वर भी कहा जाता है। यह मेनफ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में आता है। यह मल्टीपल यानी कि बहुत सारे यूजर्स के लिए एक साथ इस्तेमाल करने के लिए बना है। माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में इसमें ज्यादा मेमोरी और ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसका इस्तेमाल वेब सर्वर के लिए, डेटाबेस सर्वर, गेमिंग आदि के लिए किया जाता है। मिनी कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं मैग्नम, वैक्स आदि। इनसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। इसमें एक ही सीपीयू होता है, जिसका उपयोग घर, ऑफिस, स्कूल, दुकानों आदि में किया जाता है। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पर्सनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस के साथ सबसे आम कंप्यूटर है, जिसको एक डेस्क पर रख के यूज किया जाता है। इसका उपयोग इंटरनेट ब्राउजिंग, गेमिंग, ई लर्निंग और छोटे बिजनेस के कामों के लिए किया जाता है। अगला माइक्रो कंप्यूटर है वर्क स्टेशन। ये दिखने में डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह ही होता है, लेकिन इनका सीपीयू ज्यादा पावरफुल होता है और इसमें मेमोरी भी ज्यादा होती है। इस वजह से ये अधिक महंगा होता है और डिजाइनिंग, एनिमेशन और थोड़ी जटिल या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का एक और प्रकार है लैपटॉप, जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह एक नोटबुक के आकार में होता है, पर डेस्कटॉप कंप्यूटर के सारे फंक्शंस कर सकता है, इसलिए इसे नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। आज हमारे पास स्मार्टफोन और टच स्क्रीन टैबलेट्स भी हैं, जिन्हें हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इनमें भी प्रोसेसर लगा हुआ है। शुरुआत में इनमें इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं होती थी, लेकिन अब ये गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और फोटो कैमरा आदि के लिए यूज किए जाते हैं। सिर्फ फोन ही नहीं, आज के कई उपकरणों में भी एम्बेडेड एक छोटा कंप्यूटर होता है, जैसे स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, कार, माइक्रोवेव और कई आधुनिक मशीन। इन्हें डिवाइस के अनुसार प्रोग्राम किया जाता है। ऐसे ही कई और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।